अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, मैं आज आपको बाई वन क्रीम के बहुत ज़बरदस्त से यूसेस बताऊंगी, टैन के, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि टैन स्किन प्रॉब्लम से निजात दिलाएगी, और इसको किस तरह यूज़ करें। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भर वक्त यूजफुल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो गाइस, ग्लाइकोलिक ये क्रीम है 12%, तो बाई वन की है। तो इसको ग्लाइकोलिक होता क्या है, एक AHA अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एक्सिड है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये हमारे बॉडी पे जो काले निशान होते हैं, काले धब्बे, एक्नी, वो जो काले बिल्कुल निशान होते हैं, डार्क ब्राउन, तो हाइपर पिगमेंटेशन के, डार्क स्पॉट के, या पिंपल्स के दाग होते हैं, या हमारे घुटने कोहनियों पे जो कालापन आ जाता है गर्दन पे, उसे उस कालेपन को साफ़ करता है और पील करके उतार देता है। तो गाइस, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नंबर वन पे मैं आपको टैन बताऊंगी, और नंबर वन पे मिलाजमा पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं अपनी पहली वीडियो में बायो वन का पूरा रिव्यू दे चुकी हूँ, जिसमें सारी तफसील मैंने बताई है। तो आज मैं इसके बताऊंगी 10 यूसेस। तो मिलाजमा और पिगमेंटेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है ताकि पील करके और अंदर से मिलाजमा को ख़त्म कर दे, और जो डेड स्किन ऊपर आती है पिगमेंटेशन की, वो ख़त्म कर दे, पील होकर उतर जाए, उसे पील कर देता है। और ये हैंड एंड फीट वाइटिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और ये डार्क नक्कल्स हो जाते हैं ना, तो उनको भी साफ़ करता है। नंबर टू पे हैंड एंड फीट वाइटनिंग भी देता है, और हमारी काली गर्दन या नेक हो जाती है ना जिनकी, काली गर्दन, तो ये उसे भी साफ़ कर देता है, ब्लैकनेस को ख़त्म कर देता है गर्दन पे से, और डार्क नेकल्स को भी ख़त्म कर देता है, जिस तरह ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो जाते हैं, तो ये उनको भी साफ़ कर देता है। और कॉर्निया, काली कॉर्निया हो जाती हैं, उन्हें भी साफ़ करता है। घुटने जो होते हैं ना, तो हमारी एल्बो, घुटने, ये सब जो काले हो जाते हैं, ये उन्हें भी बहुत, किसी किसी की बहुत ब्लैकनेस हो जाती है, तो ये घुटनों पे से कालापन दूर कर देता है, कोहनियों पे से कालापन दूर कर देता है, और एंटी एजिंग के तौर पे भी ये काम करता है, और ब्लैक हेड्स भी ख़त्म कर देता है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म कर देता है पील करके, और जो पोर्स होते हैं उनको टाइट कर देता है, और इन सब के साथ ये रंग गोरा भी करती है क्रीम, और पोर्स टाइट करती है। तो इसके ये 10 फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं जो हम इनको अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसे यूज़ कैसे करना है, जो मैंने तरीका बताया है कि आप 10 से 15 मिनट लगे रहने दें, पहले हफ्ते में इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं 15-20 मिनट के लिए, और स्किन बर्दाश्त करती है तो आधे से 1 घंटा भी लगा सकते हैं, 2 घंटे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अंडर आर्म्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अंडर आर्म्स जिनके काले हो जाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको धोते हुए फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जस्ट पानी से धो लें, या अगर अंडर आर्म्स में लगा रहे हैं तो जो वेट टिश्यूज़ होते हैं ना, गीले टिश्यूज़ या गीला कपड़ा करके उसे साफ़ करके मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएं, सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज़ करनी होती है, और क्योंकि नाइट टाइम बेहतरीन होता है इन चीज़ों के लिए, पीलिंग वगैरह के लिए, केमिकल्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि सूरज की रोशनी से इसको बचाना होता है स्किन को। तो इसकी एहतियात ये है कि सुबह लाजमी सन ब्लॉक लगाएं रोज़ाना, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करेगा स्किन को, सन ब्लॉक अगर बॉडी पे भी यूज़ कर रहे हैं, हैंड एंड फूड पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर जाते हुए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अगर बॉडी में कर रहे हैं, बेशक कपड़े पहने हुए हैं, अंडर आर्म्स में भी अगर यूज़ की है और घुटनों पे भी यूज़ की है, तो वहाँ पर भी, गर्दन पे भी, तो सब जगह सन ब्लॉक लगा लें, क्योंकि सन ब्लॉक जो है प्रोटेक्शन करता है, और अगर सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा होगा। तो इसको आफ्टर यूज़, इस आफ्टर केयर इसकी यही है कि सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है धूप में निकलते हुए, और चूल्हे के पास जाते हुए भी एहतियात करना है। तो बस ये थे इसके तकरीबन 10 स्किन प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्यूशन। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।